तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एकादश पाठ, मतलब 11 पाठ। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब होता है राही, यानी रास्ता पकड़ कर कोई अनजान व्यक्ति जा रहा उसको पथिक कहा जाता है या राही कहा जाता है, और कथा मतलब होता है कहानी, यानी बाघ और राही की कहानी, या कैसे भी कह सकते हैं बाघ और पथिक की कहानी। ये जो कहानी है, अधिकतर लोग इस कहानी को जानते हैं, बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लालच में एक पंडित जी हैं जो अपना जान गंवा देते हैं सोने के कंगन के लालच में। शेर बोलता है कि ये कंगन ले लो, मैं अपना पाप धोना चाहता हूँ, मैंने अब सारे दुष्कर्म छोड़ दिए हैं, और वो उस कंगन के लालच में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो वही कहानी दिया हुआ है यहाँ पर, और इस कहानी के माध्यम से ही आपको संदेश दिया जाता है कि अगर आपको बिना मेहनत किए कोई भी वस्तु आसानी से मिल रही है तो याद रखिएगा कि आपके जीवन पर खतरा है। मनुष्य का ये गुण है कि जब भी उसको फ्री में कुछ मिलता है तो वो बहुत खुश होता है कि बिना मेहनत किए मुझे कुछ मिल गया। लेकिन एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति उस पर चिंतन करते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे ये क्यों मिला, आखिर मैंने इस योग्य कार्य भी नहीं किया फिर भी मुझे ये वस्तु मिल गया, और वो उसे छोड़ देगा क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं खतरा में डालेगा। इसलिए कभी भी आप लोग अपने जीवन में कोई भी वस्तु मिले और आपने उस वस्तु के लिए कोई मेहनत नहीं किया है तो उसे लेने की कोशिश कभी ना करें, नहीं तो कभी ना कभी वो आपके लिए खतरा पैदा कर देगा। तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट वन है। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नाम खंडात संकलितः। अयम पाठ का अर्थ हुआ यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित यानी लिखी गई हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें मित्र लाभ नामक खंडात संकलित, यानी हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, रघुवंश काव्यम, उसी तरह हितोपदेश भी एक नीति कथा ग्रंथ है जिसमें कई सारी कहानियां दी गई हैं जिसको पढ़ करके मनुष्य अपने जीवन को सुधारता है। उसी ग्रंथ से एक भाग है जिसका नाम है मित्र लाभ नामक एक खंड है। खंड मतलब होता है भाग। उससे ये पाठ लिया गया है जिसको लिखे हैं नारायण पंडित ने। तो याद रखेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा को किसने लिखा है? नारायण पंडित। हितोपदेश को किसने लिखा है? नारायण पंडित। और तीसरा प्रश्न ये तैयार होता है कि ये जो पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, वो उस खंड का नाम क्या है जहां से ये लिया गया है? तो मित्र लाभ। क्या नाम है? में तीन प्रश्न तैयार होते हैं यहां पर। आगे है हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, मतलब आप लोग बाल एक आता है वो बाल हंस या कुछ करके कोई किताब आता है उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां होती हैं मनोरंजन के लिए, और साथ ही साथ उस कहानी से शिक्षा भी दी जाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, अगर हम अपने जीवन में क्या करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये भी उस सब में रहता है।
तो उसी तरह हितोपदेश में भी बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कथा लिखी गई हैं, जो किससे संबंधित है, पशु पक्षियों से संबंधित रहता है। किससे संबंधित रहता है जी, पशु और पक्षियों से। श्राविता, श्राविता मतलब होता है सुना जाता है, यानी उसमें जो भी कहानी सुना जाता है वो किससे संबंधित होता है, पशु और पक्षियों से। पशु समझते हैं ना, गाय भैंस बैल, पशु में सब कोई आ जाएगा, शेर भालू जो भी आप मतलब जंगली हो चाहे पालतू हो। आप पक्षी में भी समझ रहे हैं, कौआ गौरैया कोयल तोता ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं। इन्हीं से संबंधित कहानियां हितोपदेश में होती हैं। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हितोपदेश में किससे संबंधित कहानियां होती हैं, तो लिखेंगे पशु पक्षी। क्या लिखेंगे, पशु पक्षी से। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हितोपदेश में किनके मनोरंजन के लिए कहानियां लिखी जाती है, तो बच्चों के यानी बालकों के लिए। आगे है, प्रस्तुत कथायाम, प्रस्तुत कथा में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। प्रकट मतलब दिखाया गया है, उसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि लोभ यानी लालच, अगर आप लालच करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। दुष्परिणाम मतलब होता है खराब परिणाम, दुष मतलब होता है खराब, समझ रहे हैं ना। तो दुष्परिणाम क्या होगा अगर आप अपने जीवन में लालच करेंगे, उसी के अनुसार एक कहानी दिखाया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थी प्रभुतम भवति, पशु पक्षियों के कथाओं से उनके मूल्यों से मानव अपने जीवन में शिक्षार्थी शिक्षा लेता है, उनके कथाओं से अपने जीवन में क्या लेता है, शिक्षा लेता है। भवति इति इतादृशि भी ना अभिज्ञायते, और जो नहीं लेता है एक दिन वो किसी कुचक्र में फंस जाता है। यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो इन कथाओं के माध्यम से कुछ सीख लेते हैं और वो गलती वो अपने जीवन में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अब क्यों कहा जा रहा है ये बात, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बनचर लोग होते हैं जो हर बात में तर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे शेर कहता है तो कोई कहेगा, अरे सर शेर बोलता है क्या, ये कुतर्क हो गया, ऐसा नहीं बात कहना चाहिए। अरे बात उससे सीखने के लिए कहा जा रहा है, हमको भी पता है कि शेर बोलता नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुष्ट बच्चे होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं जो नहीं मजा लेने के लिए शुरू कर देते हैं, ऐसा शेर कैसे बोल सकता है, है? उकेंगे बोली, तो ये सारा गलत चीज है, गलत कमेंट है ये। आप उसकी भावना को समझो, कहानी के मर्म को समझो कि कहानी आपसे कहना क्या चाहता है। आप चक्कर में पड़ गए कि शेर क्या बोलता है, बालू क्या बोलता है, समझ रहे हैं ना बात को। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्य मानवान शिक्षार्थी प्रभुतम भवति, पशु पक्षियों के कथाओं के मूल्यों से मनुष्य शिक्षा लेता है, सीखता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्त्रे ब्रूते, कहीं पर एक वृद्ध व्याघ्र, वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, व्याघ्र मतलब बाघ, कहीं पर एक बूढ़ा बाघ स्नान करके, क्या करके, स्नान करके कुशहस्त अपने हस्त, हस्त मतलब होता है हाथ, और कुश मतलब होता है कंगन, कुश मतलब क्या होता है, कंगन, अपने हाथ में कंगन को लेकर सरस तीरे एक तालाब के किनारे ब्रूते, ब्रूते मतलब बोल रहा है, कह रहा है। तो एक बूढ़ा बाघ रहे कहीं पर, अब कहाँ पर ये जगह का नाम नहीं दिया है, कहीं पर एक बूढ़ा बाघ है जो एक तालाब के किनारे स्नान करके हाथ में कंगन लेकर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग चित्र में देख सकते हैं, किताब में अपने हाथ में देखिए कंगन लिया है ना जी, और बैठा हुआ है और उसके बगल में एक तालाब है। भो भो पंथा, भो मतलब होता है ऐ ऐ चाहे हे हे, ऐ ऐ पथिक मतलब कोई पथिक जा रहा है, कोई राही जा रहा है, तो उससे कह रहा है कि ऐ ऐ पथिक, इदम सुवर्ण कंकड़म गृहताम, यह स्वर्ण मतलब होता है सोना और कंगनम मतलब होता है कंगन, सोने के कंगन को ग्रहण करो,
कह रहा है कि भाई आओ इस सोने के कंगन को तुम अब ले लो, अब आप लोग यहाँ से पढ़ के जाओ, रास्ते में छोड़ो सिर हटाओ। कोई आदमी कहे कि सोना कंगन ले लो तो सोचना भी चाहिए भाई हमको काहे दे रहा है ये, सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई हमको तुम क्यों दे रहे हो। ततो लोभ आकृष्टेन, तब लोभ से आकृष्ट होकर, आकृष्ट मतलब आकर्षित होकर, लोभ से आकर्षित होकर केन चित पांथे अनुलोचितम, यानी कि लोभ से आकर्षित होकर वो जो पथिक है वो आलोचितम मन ही मन सोचने लगता है। क्या सोचता है? भाग्य न तत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। इसके मन में ये बात आता है कि हो सकता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हो, कहीं मेरा भाग्य अच्छा हो कि मुझे सोने का कंगन मिल रहा है, कहीं मेरे ही भाग्य के लिए बैठा हुआ हो। किंतु अस्मिन अत्सम, लेकिन अपने मन ही मन सोचता भी है, देहे प्रवृत्तिना विधेया, यतः अगर देह को शरीर को कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो कहा गया है अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट और आदिष्ट यानी बेवजह बिना मेहनत किए अगर आपको लाभ हो रहा है, लाभ मतलब फायदा हो रहा है, न गतिर्जायते सुभा, तो वो गति शुभ नहीं होती है, वो समय आपके लिए शुभ नहीं है कि अनिष्ट लाभ हो रहा है, बेवजह लाभ हो रहा है, बिना मेहनत का आपको फल मिल रहा है, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। शुभ मतलब अच्छा, यह आप शुभ लाभ सुने हैं ना कि शुभ, शुभ मतलब होता है अच्छा, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युमिव, यदि यत्र अस्ते विष संसर्ग, विष संसर्ग कहा जाता है सांप को, विष को धारण करने वाला क्या कहलाता है? सांप कहलाता है। कि ये बात सही है कि विष को धारण करने वाला सांप के पास अमृतम, अमृत होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सांप के पास मणि भी होता है, ऐसे फिल्मों में आप लोग देखेंगे, रियलिटी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांप के पास क्या होता है? मणि होता है। तो विष के साथ अमृत भी होता है। यहाँ पे एक और भी बात कहा जा सकता है इस पे, आप लोग समुद्र मंथन का नाम सुने हैं कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन आप लोग कभी YouTube पे सर्च कीजिएगा समुद्र मंथन, तो दिखलाएगा कि गरुड़ जो सांप है उनसे एक ओखली के जैसा पानी में पूरा मथा जा रहा है, एक साइड में पूरे राक्षस है और एक साइड में पूरे देवतागण है और दोनों खींच रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें विष निकलता है, विष मतलब सबसे पहले उसमें से जहर निकलता है। अब जहर कौन लेगा? तो जहर कोई नहीं लिया तो भगवान शंकर पी गए, जिसके चलते उनका कंठ नीला हो गया, जिसके चलते उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उन्होंने विष का पान कर लिया, विष पी गए, तो इस कहा जाता है कि इसके अंदर नहीं लेकर गए थे, कंठ में ही सारा विष समा गया, बस असर करेगा अपना विष कहीं ना कहीं, बस उनका कंठ क्या हो गया, ये नीला हो गया, जिसके चलते उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के बाद उसमें से निकला अमृत। क्या निकला? जब अमृत आया तो किसी ने भी शंकर भगवान को नहीं पूछा, सब कोई मार्क करने लगे हमको चाहिए हमको चाहिए, क्योंकि अच्छा सबको चाहिए, बुरा किसी को नहीं चाहिए। देवता अलग हलग करने लगे, राक्षस अलग हलग करने लगे, तब उसी में एक तेज था राक्षस ठाकर के भाग गया, ठीक है ना, हड़िया देखे होंगे आप लोग, हड़िया लेके भागा, जिसका नाम था कालकेतु। क्या नाम था? कालकेतु। पता नहीं कैसा कैसा नाम रहता है उन लोगों का। तो विष्णु भगवान अपने छल से मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को सारा पिला देते हैं। बहुत सारी लंबी कहानी है, लंबा हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि विष संसर्गो अमृतम, विष के साथ अमृत भी होता है। जहां पे अमृत होगा वहां पे विष भी होगा, याद रखिएगा। तदम अपि मृत्युमेव, तो अगर आपको जीवन मिलेगा तो मृत्यु भी मिल सकता है। इसलिए आपको अगर सोने का कंगन मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो याद रखिए वहां पे खतरा भी जरूर होगा, क्योंकि ये दुनिया की रीत है, सबसे सुंदर वस्तु ही सबसे खतरनाक होती है। हीरा सबसे महंगा होता है लेकिन सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि हीरा अगर थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाए, जीभ से मुंह से सट जाए, तो एक सेकंड नहीं लगेगा आपको मरने में, तुरंत आपको मार देगा वो। इसलिए जितना जो सुंदर हो, जितना महंगा हो, खतरनाक भी उतना होता है।
आज आप लोग देखिए बिजली, बिजली कितनी अच्छी चीज है, पंखा, लाइट, फ्रिज, कूलर, एसी सब चल रहा है, लेकिन इसका मजा भी बड़ा तेज है। एक बार थोड़ा सट के देख लीजिए, कहानी आपको बता देगा असलियत क्या है उसका। तो अच्छा है तो क्या है, बुरा भी है। बल्ब जल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा बल्ब को हटा के उंगली लगा के देख लीजिए, तब आपको मजा बताएगा। लेकिन दीपक आपके घर में जल रहा है, उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन हाथ लगा के देखिए, जलेगा, मरेंगे तो नहीं आप, आपको जान से तो वो नहीं मार सकता है। गैस पर खाना बनाने में मजा आता है, लेकिन अगर भड़कता है तब पूछिए वहां की स्थिति क्या है। चूल्हा से कौन जल के मर जाएगा जी, कुछ भी हो जाए। तो यही है, जितना अच्छा होगा उतना क्या होगा, खतरनाक भी होगा। लेकिन मन, उस पथिक के मन में ये बात आती है कि रे भाई, विष और अमृत साथ साथ होता है। सांप के पास मड़ी भी होता है तो जहरीला भी है। हम मड़ी के चक्कर में जाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है कहीं काट न ले। तो ये बासेर है, बाघ है, कंगन तो है, लेकिन कहीं अटैक मत कर दे तो सीधे लेके चला जाएगा कहानी। इसके मन में ये बात आती है। किंतु सर्वार्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव तनि रूपयामी तावत। किंतु सर्वार्थ अर्जने, कुछ प्राप्त करने के लिए, अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना, प्रवृत्ति संदेह एव, उसके मन में कुछ जो एक होता है ना, व्यक्ति के मन में एक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है आदत। हर मनुष्य के मन में एक आदत होता है थोड़ा लालच का। ऐसा नहीं है कि लालची लोग नहीं होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कभी लालच न किया हो, चाहे लालच ना करता हो। हाँ, अंतर यह है कि कोई व्यक्ति लालच सीमा में रहकर करता है, मतलब कम करता है, आ कोई हद कर देता है। सीमा में रहकर लालच क्या है, जैसे कि मैं भी लालची हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लालच है कि आप लोग पैसे देंगे, ये भी लालच है, लालच के वजह से ही हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये लालच क्या है कि इससे किसी का मर्डर या किसी का कुछ खतरा नहीं होने वाला है, ये मुझे पता है। और एक लालच वो है कि मैं गाजा ढो रहा हूं, वो भी लालच है, लेकिन उसमें खतरा क्या है, कब चनावे का मुंह देखना पड़ेगा, आ ज्यादा भागेंगे तो गोलियों लग सकता है। तो एक बार सुनते हैं ना कि अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कि जहां है वहीं पे समाप्त। चलिए नहीं लगा, चनावे का मुंह दिखना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, वो जेल का भात और इमली का पानी और लैटरिन का साफ करना, ये सब हो जाता है लाइफ में। तो लालच वो भी है, लालच ये भी है, दोनों में अंतर है कि नहीं है, और दोनों में पैसा ही प्राप्त करना है। तो लालच अगर व्यक्ति सीमा के अंदर करे तो वो सही है, लेकिन वही लालच सीमा से वो बाहर चला जाए तो वो लालच आपको बर्बाद कर देगा। वो पथिक जो है, अगर चाहता तो अपना मेहनत मजदूरी करता, अपना काम चलाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लालच में आ गया कि बिना मेहनत किए, उस लायक बिना मेहनत किए हम तुरंत ज्यादा कमाना चाहते हैं। लोग गांजा या दो नंबर का काम क्यों करते हैं, जल्दी राजा बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए, यही ना होता है जी। दूसरा क्या कारण है कि जल्द से जल्द आदमी अमीर बन जाए, उसी चक्कर में आदमी बर्बाद होता है। किसी को देख लेगा, कोई एक आदमी है जो गांजा बेच के राजा हो गया, हो जाता है कोई कोई, किसी किसी का नसीब अच्छा होता है, अब उसी को देख के सब लोग लग जाते हैं, अरे हम भी हो जाएंगे, अरे वो एगो दुगो हुआ है, 98 लोग जेल ही जाते हैं 100 में, एक दो आदमी आगे निकलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके मन में संदेह आता है, सोचता है, फिर भी इतना बात सोचने के बाद फिर भी लालच अभी हटा नहीं है मन में से। तनी रूपयामी तावत, कहता है थोड़ा सा दिखाओ तो बढ़िया सा, देखे कहीं चाहते रहे कि तन देखी कि सही में ले ले बाकी यही है, झूठ मूठ के दिखाओ था तन देखी सोना कह के क्या, अब लगले टेस्ट करे चानी है कि सोना है, अरे भाग वजह से भाई, सोना चानी से का करे के बाद। प्रकाशम ब्रुत, और उससे कहता है कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शति, बाघ हाथ को फैला कर ऐसे दिखाता है, देख लीजिए किताब में, बाघ अपने हाथ को प्रसार्य कर फैला करके क्या करता है, दर्शति दिखा रहा है। पंथो अवदत, पथिक कहता है कम मरात्म के त्वई विश्वास, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो हो बाघ और बाघ एक मांसाहारी जीव है। अच्छा बताओ, बाघ कभी घास खा सकता है, मर जाएगा लेकिन कभी घास खा पाएगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा, चाहे वो मर जाए, मतलब मांस घास तो नहीं खा सकता है। गाय कभी मांस खा सकती है, वो मर जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे, कभी मांस खा सकती है, क्योंकि उसके प्रकृति में नहीं कि मनुष्य ये सब चीज खा जाएगा,
ज्यादा दिक्कत होगा तो अगल बगल जो बैठेंगे उसी को खा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो सब चीज सर्वाहारी में आता है ये, और सर्वाहारी में जो जो लोग आते हैं उसी टाइप के होते हैं, मनुष्य कुत्ता बिलार इसी टाइप के हम लोग हैं, ठीक है ना। इस सब में घुस जाते हैं। तो शेर से कहता है पथिक कि क्यों मैं तुम पर विश्वास करूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। व्याघ्र उवाच, बाघ कहता है श्रीणु रे पंथा, सुनो रे पथिक प्रागेव यौवन दशायाम अतिर दुर्वृत आसम। कहता है कि जब मैं यौवन मैं जवान था उस स्थिति में बहुत ही मैं दुराचारी था। कह रहा है कि मैं जब नौजवान था युवा था तो मैं बहुत ज्यादा क्या था, दुराचारी था। अनेक गो, गो मतलब होता है गाय, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, अनेक गाय और मनुष्यों के बधान में पुत्रा मृता दराश्य बध करके उनके पुत्रों को बध करके उन्हें मार करके दराश्य मैंने खा गया। बताते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं अनेक गायों आदमियों उनके बच्चों परिवार को मार करके क्या करता था, खा जाता था। मैं बहुत दुष्ट था, वंशहीनश्चम, इसलिए मैं वंशहीन रह गया, मुझे कोई औलाद नहीं है। ततः केन चिद धार्मिक अहम आदिष्ट, तब एक धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया, मुझे समझाया, दान धर्म आदि कम चर्तु भवान, अगर तुम्हें अपने पाप को दूर करना है तो तुम दान करो, धर्म के मार्ग पर चलो तो तुम्हारा सारा पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। बताओ कौन उसको ये बात समझाया होगा, जो समझाने गया होगा वो खुद उसके पेट में चला गया होगा। ये देखो कितना बढ़िया उपदेश दे रहा है, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि कहीं पर इसका मतलब, यहाँ से बाघ के माध्यम से समझिए, कुछ लोग बाघ के समान ही होते हैं, खतरनाक, बहुत अच्छा बतियाएंगे मुंह पर लेकिन साइड से आप ही को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। तद उपदेश आदि दानम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित खदंतो कथम न विश्वास भूमि। तब मैंने स्नान किया और आज मैं वृद्ध हो गया, मैं क्या हो गया, वृद्ध हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गलित खदंतो, मेरे जो दांत हैं वो गल गए हैं, समाप्त हो गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, ना मेरे पास दांत है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला फिरा नहीं जा सकता है, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ। मया च धर्म शास्त्र अन्य अधितानी, मैं तो धर्म और शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, उसकी जानकारी हासिल कर रहा हूँ। श्रीणु सुनो, आ धर्म के बारे में भी वो जानता है, अच्छा खासा बात करने के लिए, जिस तरह पंडित जी लोग नहीं होते हैं जो अच्छा खासा बात करके मतलब आपको प्रभावित कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे श्लोक बोलता है बाघ, दरिद्रान भर कौनते या मा परेक्षित्रे धनम व्याधि अस्त औषधम पथ्यम निरुजस्य कीम औषधे। कहते हैं कि दरिद्र, दरिद्र मतलब होता है गरीब, दरिद्र मतलब गरीब, दरिद्र को दरिद्रता में लाभ पहुंचाना। कौनतेय, कौनतेय जानते हैं किनको कहा जाता है, महाभारत में जो पांडव थे वो कुंती के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो कुंती के पुत्रों को कौनतेय कहा जाता है, कुंती के पुत्रों को क्या कहा जाता है, और उसमें जो सबसे बड़े थे वो थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो कहते हैं कि कौनतेय का कहना है, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर का कहना है कि दरिद्रान भर, अगर कोई गरीब है, मा परवेक्षसरे धनम, तो उसको धन दीजिए। जब कोई व्यक्ति है उस समय उसको आप दे सकते हैं तो धन दीजिए, ताकि उसकी गरीबी क्या हो जाए, दूर हो जाए। व्याधि अस्तस्तम पथ्यम, अगर कोई रोगी है तो उसको औषधि दीजिए, औषधि मतलब दवा दीजिए। निरुजस्य कीम औषधि, और ठीक हो जाने के बाद औषधि देने से कोई फायदा नहीं है। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई गरीब है तो आप मदद करेंगे तो उस मदद को कभी भूल नहीं पाएगा।
लेकिन जब वो गरीब नहीं रहेगा, अमीर बन जाएगा, तब मदद करेंगे, तो आपका वैल्यू वो नहीं याद रखेगा कि आपने मेरी मदद की थी। क्योंकि अमीर लोग हैं, अगर उनको आप लोग कितना भी अच्छा खाना खिला दें तो क्या आपको जीवन भर याद रखेंगे? लेकिन गरीब व्यक्ति को आप थोड़ा सा भी मतलब खाना खिला दो तो आपको भूलता नहीं है। ये उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई रोगी है उस समय अगर आप उसको दवा देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। ये नहीं कि कोई व्यक्ति ठीक है तब आप दवा दे रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है जो जैसा समय है उसी तरह मदद करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा अक्सर सुबह में रेडियो पे गीत आता है सब, कबीर अमृतवाणी आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें आता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उस समय आपने उसको पानी नहीं पिलाया, आज जब वो उसका प्यास नहीं है, उसको प्यास नहीं लगी, आप तब अमृत पिला रहे हैं, मतलब वीआईपी खाना खिला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि समय पर आप किसी का मदद करते हैं तो वो अच्छा है, कुसमय करने से कोई ये अच्छी बात है। ये बात अच्छा बोलता है बाघ, लेकिन उसको अंदर है तो नहीं ना ऐसा। उच्चते फिर कहता है, एक और श्लोक कहता है यहां पे समझेंगे, दातव्यम इति यद दानम दियते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विक बिंदु। कह रहा है कि दातव्यम इति यद दानम, दान देने से दियते अनुपकारणे, व्यक्ति पर उपकार होता है। अगर आप किसी को दान देते हैं तो याद रखिए आप उस पर क्या करते हैं, उपकार कहते हैं करते हैं, और उपकार करने से आपका आने वाला जीवन अच्छा होता है। लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने तीसरा पाठ पढ़ा था, अलस कथा, एक बृहस्वर नाम का मंत्री था, वो आलसियों पे उपकार करता था क्योंकि वो दान देता था, तो उसके बारे में पढ़े। कर्ण का नाम आप लोग इसके बाद वाले पाठ में पढ़ेंगे, द्वादश पाठ में, 12 पाठ में, कि कर्ण ने दान दिया था, तो उस दान की चर्चा आज भी होती है, 12 पाठ में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत लोग, राजा हरिश्चंद्र, कई लोग हुए हैं जिन्होंने दान दिया है, तो दान को हमेशा याद रखा जाता है। दान कोई भुलाया नहीं जा सकता है, कोई उसे भूलता नहीं है। आप किसी एक पर दान करेंगे, अगर उस लायक आपने दान किया है तो पूरा पृथ्वी आपको याद रखेगी। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया, राजा बलि ने दान किया, कर्ण ने दान किया, बीरेश्वर ने दान किया, जिस जिस व्यक्ति ने दान किया उस व्यक्ति का नाम हर कोई याद रखता है। आज हाल फिलहाल देखिए सोनू सूद का नाम बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसने कई लोगों को, खास करके बिहार के लोगों को, उनके घर पहुंचाया अपने खर्चे से, तो वो भी एक प्रकार का दान है, उपकार है, उसको लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विक बिंदु। अगर आप सात्विक बिंदु हैं, आप सात्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आप किसी भी देश में हो, किसी भी समय में हो, या किसी भी पात्र में हो, किसी भी रूप में हो, आपको लोग उसी रूप में याद करते हैं। उसके लिए देश, जगह, व्यक्ति कुछ भी मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं। अगर आपने कार्य किया है तो पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहात, इसलिए तुम जाओ स्नान कर लो इस तालाब में, और तब आकर इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। ततो याव दसौ तद्वच प्रतीसो लोभात्सर स्नातुम प्रविशति तावन महापंके निमग्न पलायतुम अक्षम। यानी तव तो याव दसौ त्वच प्रतीतो लोभात्सर, यानी लोभ से आकर्षित होकर वह स्नान करने के लिए प्रविशति, उस तालाब में क्या करता है, प्रवेश करता है। तावन महापंके, तब देखता है कि वो तो महापंक में निमग्न फंस गया। महापंक मतलब होता है दलदल, दलदल समझते हैं, पानी के जैसा लगेगा, लेकिन उसमें जाएंगे तो आप धंसते जाएंगे और उसी में धंस के समाप्त हो जाएंगे। अब वो देखता है कि भाई ये तो दलदल, इसमें मैं फंस रहा हूँ, और बाघ पहले से पता कर लिया होगा कि ये दलदल है। वो कंगन के चक्कर में कई लोगों को ले गया होगा, पहले थोड़े ना होंगे, एक एक कंगन होगा, बार बार लोग कोई ना कोई पाँच आदमी का भी फंसिए जाते हैं। प्लायतुम अक्षमा, और वो उसमें से निकलने का प्रयास करने लगता है। पंके पतितम दृष्टवा, पाक में फंसे देखकर व्याघ्रो अवदत बाघ कहता है, अह महापंके पतितो असी, ओह दलदल में फंस गए क्या,
अतस्त्वाम उत्थापयामि, ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूं। इक्तुत्वा सुनय सनय, इस प्रकार सनय 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 मतलब होता है धीरे धीरे। रूप गम्य तेन व्याघ्रेण, बाघ उसके नजदीक आता जाता है। धृत स पंथो चिंतयत, तब उस पथिक के मन में यह बात आती है। अब क्या मन में बात आती है तो देखिए, अवसेंद्र इंद्रिय चितानाम हस्तीन स्थानमिव क्रिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, इंद्री मतलब होता है शरीर के अंगों को, हस्तीन स्नानमिव क्रिया अपने अनुसार कार्य नहीं करता है, यानी जो अपने शरीर के अंगों, अपने मन को बस में नहीं रखता है, वो लालच में पड़ जाता है। दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, दुर्भाग्य से वह अपना प्राण गवा बैठता है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया और उस पढ़ाई के कारण आपने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तो वो ज्ञान एक बोझ के समान है। भार मतलब होता है बोझ, वैसा ज्ञान आप पे खुद बोझ हो जाएगा। पथिक बुर्बक व्यक्ति तो नहीं था, था जी शुरू से अच्छा सोच रहा है, लेकिन फिर भी किसके चक्कर में पड़ गया, लालच के चक्कर में पड़ गया। तो पढ़ा लिखा होने के बाद भी, बुद्धिमान होने के बाद भी उसने अपने दिमाग का क्रिया नहीं किया, अपने आप पर भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, जिसके चलते वो आज अपने प्राण को क्या कर रहा है, गंवा रहा है। इति चिंतन ए नवासव, अभी यही सब सोच रहा था, व्याघ्रेण व्यापिता खादिश्च, बाघ उसे निकाल कर खा गया। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, कंकड़स्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स मृतो यथा। यानी कंकन के लोभ में पथिक जो है महापंक में फंस गया, वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ संप्राप्त उसको बाहर निकाला, पथिक स मृतो यथा, और पथिक को मारकर खा गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी उस लालच में नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे सीमा से बाहर है, जिसके लिए हमने उस लायक मेहनत नहीं किया है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी जगह फंसेंगे जहां से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ये पाठ समाप्त होता है, कल की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।